नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। डोंगरगढ़ के ग्राम कन्हार गांव में हत्या का ऐसा मामला सामने आया है जिसने भाई भाई के रिश्ते को तार तार कर दिया है। बीते गुरुवार रात हुई इस घटना में छोटे भाई ने सगे बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी लाश को कुछ लोगों के साथ मिलकर रात में ही जंगल में दफना दिया। घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंची तब पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया। मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डोंगरगढ़ के कन्हार गांव में हुई हत्या की इस वारदात ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। गुरुवार रात सीताराम पटेल ने अपने सगे भाई गेंद सिंह पटेल पर डंडे से हमला कर हत्या कर दी। बताया जाता है कि गेंद सिंह शराब पीने का आदी था और घटना के दिन भी वह नशे में था। दोनों भाइयों के बीच खाना खाने को लेकर बहस हुई। इस दौरान गुस्से में आकर सीताराम पटेल ने अपने भाई गेंद सिंह पर डंडे से हमला कर दिया। गेंद सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हत्या की इस वारदात को छिपाने के लिए आरोपी सीताराम ने गांव के लोगों को गेंद सिंह की साधारण मौत होने की जानकारी दी और गांव के ही कुछ लोगों के साथ मिलकर गेंद सिंह की लाश को रातों रात गांव के ही नज़दीक जंगल में दफना दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब गैरेज में काम करने वाला मृतक गेंद सिंह दूसरे दिन काम पर नहीं पहुंचा। ऐसे में गैरेज मालिक मृतक गेंद सिंह के घर पहुंच गया, जहां उसे बताया गया कि गेंद सिंह की मौत हो गई है। इस पर मालिक ने शक होने पर 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल गेंद सिंह के घर पहुंची और पूछताछ के बाद सीताराम पटेल ने अपने ही सगे बड़े भाई की हत्या करने की बात स्वीकार ली। डीएनएक्स न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सोमेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। खबर आई थी और उस खबर के आधार पर हमने तस्दीक किया। हमारे भी मोहरा चौकी क्षेत्र का प्रकरण है। तस्दीक करने पश्चात हम मौके पर आए और ये देखे कि उसको मृतक गेंद सिंह पटेल है जो उसको मार के गाड़ दिया गया है। उसको हमने तहसीलदार साहब के उपस्थिति में और डॉक्टरों की उपस्थिति में यहीं पर लाश खुदवा गया और डॉक्टर साहब द्वारा मौके पर ही पंचनामा किया गया। इसमें जांच पे ये जानकारी आई है कि खाना खाने की बात को लेकर मंझला भाई सीताराम पटेल ने अपने भाई को डंडा से मार दिया था और गर्दन में चोट लगने से कुछ घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मृतक का ये कहा गया था कि उसको उसके शराब पीने का आदी था, मर गया और इसी बात को गांव में फैला कर कफन दफन करवा दिया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, अभी पुलिस कस्टडी में है और कार्रवाई करके उसके ऊपर गिरफ्तार किया जाएगा, न्यायालय पेश किया जाएगा।